बच्चों, तो आज जो हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर देखने जा रहे हैं, जो कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट 11 का फर्स्ट चैप्टर। और इस फर्स्ट चैप्टर में बच्चों को जो प्रॉब्लम आता है वह जैसे मोल कॉन्सेप्ट, स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन और इसके बाद लिमिटिंग रिएजेंट। ये थ्री टॉपिक जो है वो बच्चों को काफी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और ये टॉपिक से बच्चे डरते बहुत ज्यादा हैं। इसमें डरने की जरूरत नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट की जरूरत है। कॉन्सेप्ट यदि समझ में आ गया उसके बाद क्या है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, और कुछ भी नहीं है इस टॉपिक में। देखिए, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, और यदि इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लेते हैं तो प्रॉब्लम आप सोल्व कर लेंगे। तो देखिये, स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन, या फिर यहां से हम लोग लिख सकते हैं कैलकुलेशन का मतलब क्या होगा कि इसमें जैसे हम लोग जो भी प्रॉब्लम दिया हुआ रहेगा उस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। तो देखिए, स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन में जो केमिकल रिएक्शन जो होता है, क्या लिखेंगे, केमिकल रिएक्शन। अब यह जो केमिकल रिएक्शन जो होगा, यह केमिकल रिएक्शन टू टाइप्स का होगा। वन इज कॉल्ड फर्स्ट जो रिएक्शन जो होगा इसको हम लोग लिखेंगे अनबैलेंस्ड रिएक्शन। सेकेंड जो होगा, सेकेंड को लिखेंगे बैलेंस्ड रिएक्शन। बैलेंस्ड रिएक्शन मतलब रिएक्शन दो तरह का, एक ऐसा रिएक्शन जो कि अनबैलेंस्ड हो और दूसरा जो है ऐसा रिएक्शन जो बैलेंस्ड है। जैसे मान लिया जाए, एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल के रूप में यदि लेंगे तो चलिए, जैसे देखिए नाइट्रोजन और प्लस हाइड्रोजन, ये दोनों जब मिलेगा क्या बनेगा, NH3, अमोनिया का फॉर्मेशन। अब जरा सोचिए कि क्या ये बैलेंस है, नहीं ये बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस है। देखिए कैसे, यहां पर जो है सो दो नाइट्रोजन है, यहां एक नाइट्रोजन है, अनबैलेंस। यहां पर टू हाइड्रोजन है, यहां पर थ्री हाइड्रोजन। इसका मतलब है कि यदि यह बैलेंस होता तो ये रिएक्टेंट, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको जो है सो बोलेंगे रिएक्टेंट, और ये जो है प्रोडक्ट होगा, इसको लिखेंगे प्रोडक्ट। तो जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो भी एटम्स है ये सबका वैल्यू सेम होना चाहिए, तब वो बैलेंस होगा, अदरवाइज अनबैलेंस होगा। लेकिन यहां पर जो है देखिए, तो इधर नाइट्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है प्रोडक्ट में भी, लेकिन नंबर ऑफ एटम जो है वो डिफरेंट है। इधर जैसे नाइट्रोजन दो, इधर कितना, एक, इधर हाइड्रोजन टू, तो इधर हाइड्रोजन थ्री। इसका मतलब है कि अब इसको हमको बैलेंस करना पड़ेगा। तो देखिए, कभी कभी जो है आपको इस स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन में आपको रिएक्शन जो है वह अनबैलेंस भी मिल सकता है, इसको आपको बैलेंस करना होगा। कभी कभी रिएक्शन आपको मिलेगा ही नहीं, केवल क्वेश्चन में कंपाउंड का मेंशन करेगा, तब आपको जो है सो उस कंपाउंड से एक बैलेंस्ड फॉर्म में रिएक्शन बनाना होगा, और तब फिर प्रॉब्लम आप इस पर सोल्व करेंगे। तो देखिए, यहां से अब इसको हम बैलेंस करना चाहेंगे तो कैसे बैलेंस होगा, जरा देखिए। देखिए, अब यदि यहां पर टू हाइड्रोजन है, टू नाइट्रोजन है, तो यहां टू से मल्टीप्लाई कर दे, तो चलिए देखिए यहां पर क्या हो गया, टू NH3, ठीक है। अब इसके बाद N2 लिख दे, और प्लस देखिए नाइट्रोजन तो बैलेंस, टू इधर नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, बचा क्या, हाइड्रोजन, थ्री है यहां पर हाइड्रोजन, देखिए टू है तो बैलेंस नहीं है। अब यहां देखिए हाइड्रोजन कितना हो गया, सिक्स, तो यहां पर यदि हम H2 कर दें, और तो टू हाइड्रोजन लेकिन है सिक्स, इसको थ्री से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ये बैलेंस हो गया। इसको हम लोग जो है एक और एक रिएक्शन ले लेते हैं, देखिए KClO3,
यह जो केसीएल केसीएल ओ थ्री जो है यह ब्रेक करके क्या बनाता है, केसीएल और प्लस जो है सो ओ टू बनाता है। थोड़ा सा इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है, देखिए केसीएल ओ थ्री यह जो सो ब्रेक करके बनाता है केसीएल और प्लस ओ टू। देखिए यह जो रिएक्शन जो है, इस रिएक्शन में इसको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट, यह जो रिएक्टेंट होगा और ये जो है आपको क्या होगा, प्रोडक्ट। समझ में आ रहा, यह जैसे प्रोडक्ट। अब देखिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों बैलेंस नहीं है, यहां पर पोटासियम ऑन पोटासियम ऑन, क्लोरीन वन क्लोरीन वन, लेकिन ऑक्सीजन कितना, थ्री, और यहां पर ऑक्सीजन टू, अनबैलेंस्ड है। इसको हमको बैलेंस करना होगा, तो अब हम बैलेंस इसको कैसे करेंगे, देखिए यहां से जो है सो इसको यदि बैलेंस करना होगा तो देखिए यहां से लिखेंगे KClO3 और देखिए यहां पर जो है ऑक्सीजन कितना है, टू है, और यहां पर ऑक्सीजन कितना है, थ्री है ना। तो यदि हम इसको टू से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन गया, देखिए टू KClO3 मतलब टू पोटासियम टू क्लोरीन और ऑक्सीजन कितना है, थ्री। तो अब जो है सो हमें क्या करना होगा कि यहां से केसीएल लिखेंगे और इस केसीएल में हम क्या करेंगे, टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये टू हो गया। तो टू केसीएल मतलब पोटासियम और क्लोरीन दोनों बैलेंस। इसके बाद अब क्या करेंगे, ऑक्सीजन हमारा सिक्स है, यहां पर ऑक्सीजन टू है, थ्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं, थ्री ओ टू, यानी बैलेंस्ड हो गया। तो इस तरह से जो है सो हम इसको बैलेंस करना सीखेंगे, ठीक है ना। अब ये बैलेंस के लिए जो है हमें दो मेथड को अप्लाई करना होगा, ठीक है ना, एक हीट एंड ट्रायल मेथड और दूसरा जो है हम लोग रिडॉक्स मेथड को यूज करेंगे, लेकिन ज्यादातर केस में हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस कर लेंगे। लेकिन एक्चुअली में यह जो रिएक्शन जो है, यह बैलेंस रिएक्शन क्या देता है, किस चीज को इंफॉर्मेशन देता है, और बैलेंस रिएक्शन के बारे में हम इतना स्ट्रेस क्यों दे रहे हैं। मतलब जो रिएक्शन है तो सबसे पहले जो है आपको ये जानना होगा कि जो बैलेंस रिएक्शन है, यदि किसी भी रिएक्शन में यदि बैलेंस रिएक्शन दिया गया है या नहीं भी दिया गया तो उसको बैलेंस करना होगा, और बैलेंस करने से हमको क्या इंफॉर्मेशन मिलता है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की तरफ, नंबर ऑफ मोल्स का रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के तरफ कितना है, उसके बाद और भी हम लोग कह सकते हैं कि वेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये भी बताता है। यदि कोई गैसियस रिएक्शन है तब उसमें जो है सो वॉल्यूम को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। यानी हम ये कह सकते हैं कि यह जो वॉल्यूम जो होगा किसी गैस में, ठीक है ना, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के वॉल्यूम क्या है, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। तो अब यहां से हम लोग लिखेंगे, देखिए हम लोग लिखेंगे ए बैलेंस्ड रिएक्शन, बैलेंस्ड रिएक्शन gives information, information, actual information कर लीजिए, actual information, information of number of molecules or number of moles, number of moles and weight of reactants and products, products इसका इंफॉर्मेशन यह देता है।
बट इन द केस ऑफ गैसियस रिएक्शन गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स इसका इंफॉर्मेशन जो है सो यह देता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट तो देखिए, अब यहां से हम लोग लिख सकते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन इन स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन द रिएक्शन यहां से थोड़ा सा सुधार कर लीजिए, इन स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन द अनबैलेंस्ड रिएक्शन बैलेंस्ड बाय टू मेथड्स मतलब ये कहता है कि इस स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन में जो अनबैलेंस्ड रिएक्शन है उसको हम बैलेंस कर सकते हैं टू मेथड के द्वारा, ठीक है ना। अब ये जो टू मेथड जो है जिसमें हम लोग लिख सकते हैं, फर्स्ट जो है हिल्स एंड ट्रायल मेथड और सेकेंड जो है बाय रिडॉक्स मेथड। इस दो मेथड से इसको हम बैलेंस कर सकते हैं, क्लियर है। अब देखिए जो कि हीट एंड ट्रायल मेथड के लिए मैंने बैलेंस करने के लिए अभी मैंने बताया कि जैसे सपोज कीजिए कि जो KCl3 का जो कॉन्सेप्ट लिए थे यह जो ब्रेक करके क्या बना डिकम्पोज हुआ तो KCl बना और प्लस जो है सो O2 बना, लेकिन यह तो अनबैलेंस था क्योंकि रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 3 प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 2। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम यहां से 2 इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो यहां पर भी 2 करना पड़ेगा क्योंकि पोटासियम 2 तो पोटासियम 2 क्लोरीन 2 तो क्लोरीन 2 और ऑक्सीजन 6 तो यहां पर 3 से कर देंगे, यानी ये जो है सो बैलेंस्ड हो गया। इसको कहते हैं हिट्स एंड ट्रायल मेथड और रिडॉक्स रिएक्शन जो हम लोग जो है सो रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ते हैं कि वहां पर कैसे उसको बैलेंस हम लोग करते हैं, ठीक है। अब जो है सो नेक्स्ट में अब देखिए हम लोग को जो रिएक्शन ज्यादातर मैंने बताया कि ज्यादातर कोशिश करेंगे कि आप जो है सो रिएक्शन को इस हीट एंड ट्रायल मेथड से ही बैलेंस करेंगे, लेकिन अब जो है प्रॉब्लम को जो है सो हम लोग जो सॉल्व करेंगे वो कौन से मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, तो यानी इस केस में लिखेंगे प्रॉब्लम्स ऑन स्टोइकियोमेट्रिक
मैट्रिक कैलकुलेशन सोल्व बाय टू मेथड्स। अब ये टू मेथड में फर्स्ट मेथड जो होगा, यह जो फर्स्ट मेथड में हम लोग जो है सो यूनिटरी मेथड का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? यूनिटरी मेथड, मतलब हम इसको हिंदी में क्या कहेंगे, एक एक नियम बोलते हैं। सेकेंड जो है मोल मोल एनालिसिस। इसके द्वारा जो है सो हम लोग सोल्व करेंगे। दोनों मेथड अप्लीकेबल है और दोनों मेथड बहुत ही सिंपल मेथड है। इसके द्वारा जो है सो हम इस स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन के प्रॉब्लम को हम लोग सोल्व करेंगे। इसमें जो है सो दोनों मेथड बताएंगे। यूनिटरी मेथड तो सिंपल है, जैसे जो हम लोग रिएक्शन में जो है सो मोल कॉन्सेप्ट में जो यूज करते हैं उसी से जो है सो इसको सोल्व करेंगे। और दूसरा जो है सो मोल मोल एनालिसिस, मतलब कि जो कंपाउंड, जैसे मान लिया जाए, सिंपल सा एक तरीका है, जैसे आप देखिए, जैसे मान लिया जाए कि यदि हम रिएक्शन N2 और प्लस H2 गिव्स NH3, यह जो है सो रिएक्शन हमने दे दिया। अब इसमें देखिए कि यह जो है अनबैलेंस रिएक्शन है, पहले बैलेंस कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 नाइट्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना 2, लेकिन यहाँ 6 यानी 3, यह जो सो बैलेंस हो गया। अब देखिए इसका जो मोल का नंबर क्या होगा, इसका कोफिशियंट कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, तो क्या लिखेंगे, 1 मोल। इसका कोफिशियंट 3 तो क्या होगा, 3 मोल। और इसका कोफिशियंट 2 तो इसको लिखेंगे 2 मोल। यही जो सो हमारा मोल है। अब जरा देखिए कि सभी जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, इस सभी का जो है सो मोल का हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिल गया। अब इसी मोल को एनालिसिस करके और हमें जो है सो मतलब कि प्रॉब्लम को सोल्व करना होगा। लेकिन इसमें कुछ और भी जो है सो कॉन्सेप्ट है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मोल मोल एनालिसिस हम लोग स्टार्ट करेंगे, और फिर उसके बाद उससे रिलेटेड प्रॉब्लम कि मोल मोल एनालिसिस से प्रॉब्लम कैसे सोल्व होता है और यूनिटरी मेथड से प्रॉब्लम कैसे सोल्व होता है। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।